हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसका अनबॉक्सिंग रिव्यू वीडियो आपने देख लिया, रेडमी 8A ड्यूल का। इसका मैंने अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था पिछले वाले वीडियो में, जिसमें आपने काफ़ी सारे लाइक्स दिए थे और काफ़ी सारा व्यू मुझे मिला था, और काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने गिव अवे भी किया हुआ है, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम करेंगे इसका डीप कैमरा रिव्यू, और कैमरा हर एंगल से इसका चेक करेंगे, आगे का भी जो कैमरा है, पीछे का भी जो कैमरा है, और सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं इस वीडियो में, इसके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट्स सारे, ताकि आपको इस फ़ोन के बारे में पता चल जाए। अगर आप कैमरे के पर्पज़ से इस फ़ोन को खरीद रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको इस तरह की और भी लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहे हमेशा सबसे पहले। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको कुछ सैंपल दिखा देता हूँ, जो मैंने इस फ़ोन से कुछ फ़ोटो खींचे हैं, सेल्फी कैमरे से, बैक कैमरे से, और एक वीडियो भी रिकॉर्ड की है। तो सबसे पहले गैलरी में चलते हैं, मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा कौन सा फ़ोटो मैंने सेल्फी से खींचा है, कौन सा। सबसे पहले मैं आपको वीडियो बता देता हूँ, ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की है इसी फ़ोन से। अब मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ, ये कुछ फ़ोटो मैंने खींचे हैं, ये मैंने सेल्फ़ी कैमरे से खींचा है फ़ोटो, ये भी सेल्फ़ी कैमरे से है, ये भी सेल्फ़ी कैमरे से है, ये वाला मैंने सेल्फ़ी कैमरे से खींचा है, ये बैक कैमरे से, ये सेल्फ़ी कैमरे से, ये वाला मैंने बैक कैमरे से खींचा है फ़ोटो। मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ थोड़ा, फ़ोटो में काफ़ी क्लियरिटी है, मतलब ज़्यादा बड़ा करने पे इतना नहीं है, कुछ लाइट का भी रहता है, जगह का भी रहता है। ये मैंने बैक कैमरे से खींचा है, तो ये सारी फ़ोटो मैंने यहाँ से लिया है बैक कैमरे से। यहाँ पर ये फ़ोन पहली बार बूट हो रहा है, और यहाँ कैमरे को ऑन कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको सेल्फ़ी कैमरा दिखा देता हूँ, SDR मोड आपने देख लिया, यहाँ पर सेटिंग है, पॉल्म सटर है, और जो भी आपका वीडियो का फ्रेम है वो सेटअप कर सकते हैं। नीचे की तरफ आपको दिखा देता हूँ, शॉर्ट वीडियो है, छोटी वीडियो अगर आपको बनानी है 15 सेकंड की, ये वीडियो रिकॉर्ड करना है यहाँ से हो जाएगा। फ़ोटो का ऑप्शन है, पोर्ट्रेट मोड है, प्रो मोड है। प्रो मोड में आपको प्रोफेशनल कैमरा चलाना आना चाहिए, और इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इसको मैन्युअली सेटअप करना पड़ता है। अब मैं आपको ऊपर की तरफ थोड़ा दिखा देता हूँ, ये मैंने फ़ोटो वाला सेलेक्ट कर लिया, तो ऊपर की तरफ सबसे कॉर्नर में लाइट का ऑप्शन है, फोकस का, फिर SDR मोड है, AI कैमरे का ऑप्शन है, और ये गूगल लेंस है। गूगल लेंस अगर आपका इंटरनेट ऑन है और आप किसी चीज़ की फ़ोटो खींच रहे हो बाज़ार में या कहीं भी, तो उस चीज़ की जो भी जानकारी इंटरनेट पे होगी वो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ से सेटिंग के अंदर जाएंगे, सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, कैमरा फ्रेम है, टाइमर है, आप खुद से वीडियो शूट करना चाहते हैं, फ़ोटो शूट करना चाहते हैं तो टाइमर लगा सकते हैं। ये सेटिंग के अंदर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप पिक्चर फुल HD में चाहते हैं, SD में चाहते हैं, वहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। अब मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, वैसे ये 8x जूम है। बैक में दो कैमरे दिए गए हैं, 13 मेगापिक्सल
और 2 मेगापिक्सल का इनडेप्थ सेंसर। तो ये 8x जूम हो चुका है, इसको मैं थोड़ा सा और कम कर रहा हूँ। तो जूम का ऑप्शन है और फोटो और वीडियो में ऑटो डिटेक्शन का भी ऑप्शन दिया हुआ है। इस फ़ोन में टाइप सी यूएसबी चार्जिंग केबल लगता है और बैक बॉडी जो है प्लास्टिक की है। एआई फेस अनलॉक भी इसके अंदर दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको इस फ़ोन में मिल जाता है, ये अच्छी चीज़ है। और ये जो वीडियो और फोटो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा सही है इस कीमत में। फ़ोन की जो डिस्प्ले है वो 6.22 इंच की है जिसपे गोरिल्ला ग्लास 5 लगा हुआ है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 439 प्रोसेसर दिया गया है और आगे का जो कैमरा है सेल्फी 8 मेगापिक्सल है। तो ये देखिए कलर कॉम्बिनेशन, कलर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा सही है, उतनी ज़्यादा भी ख़राब नहीं है। और काफ़ी हद तक इसका जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बैक में ये ड्यूल कैमरा, ऊपर ऑटो LED फोकस लाइट है। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है सिर्फ 7499 में और ऑफर में कम पड़ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाएं और आपका जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।